मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में कोयले का संकट निर्माण हो गया। कई राज्यों में कोयले की आपूर्ति न होने के कारण जो बिजली निर्मिति के लिए संच बनाए गए हैं वो बंद पड़ गए। कई राज्यों में बिजली का संकट है, कटौती की जा रही है। जिस देश में आज क्षमता है सरप्लस बिजली बनाने की, आज कोयला ना होने की वजह से संकट पैदा हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से दूरदृष्टि कर रख कर कोयले को आवंटन किया ताकि आने वाले दिनों में बिजली की खपत बढ़ेगी, उसका ईंधन का इंतजाम किया जाए, उन्होंने झूठे आरोप लगा के कि कोयले घोटाला हुआ, पूरा जो भी कोयले का एक सिस्टम बनाया गया था ध्वस्त कर दिया। जिनको भी दी गई है बहुत सारी खदानें, आज तक उसमें खुदाई का काम चालू नहीं हुआ। बड़े पैमाने पे विदेश से कोयला मंगाया जा रहा है। जब देश में कोयला है, विदेशी कोयला मंगाने की ज़रूरत पड़ रही है, विदेशी मुद्रा भंडार कोयले में चला जा रहा है। हमें लगता है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण कोयले का संकट है, विदेशी मुद्रा कोयला बाहर से मंगाने में जा रहा है, भारत की कोयला की खदानें अभी तक उसकी खुदाई का काम नहीं शुरू हो पाया, ये सारी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। देयर इज अ कोल क्राइसिस इन दिस कंट्री। ड्यू टू कोल क्राइसिस द पावर कट हैज बीन स्टार्टेड इन मेनी ऑफ द स्टेट। द कोल हैज बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम द Australia and many more countries. Before Modi era, Manmohan Singh ji has allotted many of the coal mines to the producer who are in a energy sector. At that time, they alleged there is a coal scam. They had cancelled the contract of the mines, and many of the mines allotted by the Modi government had not been started. They had not started mining the coal from this all coal mines. Due to wrong policies, a lot of foreign exchange has been spent on coal import. The way Modi government handled the situation, that's why a coal shortage has been created in this country, and entire responsibility is with Modi government for their wrong policies. देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।